हेलो गाइस, मैं दीप शांतरा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिजाइन। तो आ गए एक नया वीडियो लेके। तो आज के वीडियो बनाने से पहले एक नया खुशखबरी देंगे। खुशखबरी क्या है? आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें हाउ टू कन्वर्ट एचटीएमएल टू वर्डप्रेस इन हिंदी, तो पहला जो वीडियो होगा वो मेरा होगा। एंड और एक बार सर्च करें हाउ टू कन्वर्ट पीएचडी टू एचटीएमएल, जो पहला वीडियो होगा वो मेरा होगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट रहा इसलिए हम अभी इस मुकाम में आ गए। तो और भी ऊपर जाना है मुझे। अभी भी 1000 सब्सक्राइब पूरा करने के लिए बहुत बाकी है एंड वॉच टाइम भी बहुत बाकी है। तो प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो आज एक सिंपल सा वीडियो बनाएंगे एंड मैं एक आज मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पीछे व्हाइट कपड़ा देके। तो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ चीजें हम मंगवाई है अमेजन से, अभी तक आया नहीं है। एक माइक्रोफोन, एक स्टैंड, एक आपका ट्राइपॉड। मेरे पास डीएसएलआर कैमरा है लेकिन ट्राइपॉड की वजह से हम उससे शूट नहीं कर पा रहे। तो चलिए ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक सीएसएस का सिंपल से इफेक्ट दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो पे। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जो जो मेरा फ्रेंड नया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर कोई गलती हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं वीडियो पर। आ गए हम पीसी पे। तो आज एक सिंपल सा एंड आसान सा एंड ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दिखाएंगे। ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड व्हाइट एंड रोज है, गुलाब का फूल है। तो देखिए सिंपल सा, अगर हवर करे माउस ले जाए तो जो उसका ओरिजिनल कलर है, फोटो है मेरे पास, देख रहा हूँ ओरिजिनल कलर है वो आ रहा है। जब हवर हटाए तो धीरे धीरे कलर चला जा रहा है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनाए। पहले क्या हम एक डेस्कटॉप एक फोल्डर ले लेते हैं, फोल्डर बनाते हैं सीएसएस हवर इफेक्ट। ठीक है, सीएसएस हवर इफेक्ट एक नया फोल्डर बना लिया। एंड जो इमेज है, हम यहाँ से ये वाला फोल्डर से हम इमेज जस्ट कॉपी कर ले लेंगे। सॉरी, आगे फिर से इमेज को कॉपी कर लेंगे। इमेज को एक बार दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए बैकग्राउंड व्हाइट है एंड एक गुलाब का इमेज है। इमेज कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया। तो एक काम करते हैं, एक इमेज का फोल्डर बनाते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके अंदर हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, देखिए इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो हम ये जो फोल्डर खुला हुआ है, फोल्डर हम बंद कर दे रहे हैं। हाँ, ये फोल्डर बंद कर दिया, एक ओनली ये वाला फोल्डर ही खुला है। तो हम एडिटर पे जाएंगे। एडिटर को इसको सेव करेंगे, सेव एज CSS hover effect, इस पे जाके index.html एक फाइल ले लिया। इसको पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक स्ट्रक्चर आ गया। देन टाइटल दे रहे हैं hover effect। ठीक है, CSS hover effect तो आ गया। एंड एक फाइल लेते style.css बोल के एक फाइल ले लिया। देन सेव एंड यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक कर देंगे उसमें। आपको तो आता ही होगा लिंक करना। हाँ, फाइल बाहर है, कोई फोल्डर के अंदर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिंक दे दिया। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। कॉपी फाइल पाथ किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। देखिए सीएसएस हवर इफेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, पहले बैक बॉडी का कलर देंगे। बॉडी पहले लेंगे मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग 0 पिक्सल। हम मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल क्यों दिए, क्योंकि अगर कोई किसी ने मार्जिन एंड पैडिंग पकड़ रखा है तो छोड़ देगा,
जीरो पे चलाएगा सब, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर हम पहला भी ब्लैक देते हैं, अब वहाँ पे जाते जाके हम चेंज करेंगे। देखिए ब्लैक आ गया, तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके बॉडी बॉडी पे आ गए, यहाँ से हम एक अच्छी तरह से रेड के ऊपर कलर दे रहे हैं, ठीक है, रेड के ऊपर कलर दे दिया क्योंकि गोलाप भी रेड होता है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आ गया हमारा कलर यहाँ पे, सॉरी कलर आ गया। अभी क्या करना है, इसको स्टाइल करना है थोड़ा, इसमें इमेज लाना है, तो पहले हम डीप लेंगे, डीप ले लिया, सॉरी थोड़ा ये कर दे रहा हूँ, हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जूम कर दे रहा है, आप देख ठीक तरह से देख पाएंगे, तो जूम कर दिया। तो हम क्या किया, एक डीप लिए, डीप पे क्लास देंगे आईएमजी इमेज हवर, देन उसके अंदर एक वो वाला इमेज हम इनपुट करेंगे, इमेज सोर्स क्या है, आईएमजी इमेज के अंदर img.jpg, ठीक है, एंड ऑल टैग जरूर दीजिएगा, ऑल टैग देना होगा। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए ये इमेज आ गया, लेकिन इमेज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एंड इसको हम छोटा करना है एंड मिडिल पे लाना है, तो छोटा पहले छोटा कर लेते हम, तो इमेज हवर पे जाएंगे, पहले क्लास है इसलिए फुल स्टॉप, देन आईएमजी डीप के अंदर जो इमेज है उसका विड्थ हम सेट कर रहे हैं, विड्थ 30 पिक्सल दे रहे हैं एंड हाइट भी 30 पिक्सल, ठीक है। अब इस सेव एंड रिफ्रेश, देखिए छोटा हो गया, अब क्या करना है, इसको मिडिल पे लाना है, ठीक है, तो मिडिल पे लाना है, देन देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50% एंड लेफ्ट 50%, ओके, एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% हो गया, देन सेव। देखिए अब ये बिल्कुल, देखिए अब बिल्कुल सेंटर पे आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। तो अभी क्या करना है, अभी जो इसका कलर है हम क्या करेंगे, होबर पे इस पे ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट, हम जब होबर करेंगे तब कलर आएगा, ठीक है, तो हम इसका कलर हम ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, करेंगे फिल्टर, सॉरी फिल्टर ग्रेस्केल 100%, ओके, देन सेव। अब देख रहे हैं एंड रिफ्रेश, देखिए क्या आ गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा हवर पे चाहिए मुझे, देन कॉपी करेंगे इसको, देन आईएमजी हवर, मतलब जब इसके ऊपर माउस ले आए हवर करे, तो जो फिल्टर है ग्रेस्केल है जीरो हो जाए, 0% हो जाए, ठीक है, तो उसका फिर से कलर चलाएगा। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि आपको समझ धीरे धीरे हम समझ धीरे धीरे आसानी से कौन सा चीज क्या है, इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है, प्लीज देखिएगा, देखिए अगर इसको जाएंगे तो कलर आ रहा है। तो क्या करना है मुझे, ये थोड़ा इसको ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, जरे तो झटका मार रहा है ऐसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड देंगे, सॉरी इसको यहाँ पे नहीं पे तो देना पड़ेगा यहाँ पे, देन कॉपी रिफ्रेश, देखिए ये धीरे धीरे अभी हो रहा है, ठीक है, एंड हम अगर
थोड़ा शैडो दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा शैडो दे रहे हैं, बॉक्स शैडो 4 pixel, 4 pixel, 8 pixel एंड 8 8 जीरो कर रहे पहले। ओके इसका थोड़ा ओपेसिटी हम कम करेंगे, कम कर दिया। देन इसको कॉपी, शैडो को कॉपी करेंगे, पेस्ट। देखिए ज्यादा कोड नहीं लिखे हमने, ज्यादा कोड लिखा हुआ नहीं है, जस्ट इतना ही कोड है। हम फाइल दे देंगे वहां पे, देखिए इतना ही कोड है। इसके अंदर कितना अच्छा एंड सुंदर एक हमारे पास एक इफेक्ट, सीएसएस इफेक्ट आ गया। हम इसको गैलरी में भी लगा सकते हैं, वेबसाइट के किसी भी चीज पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है तो चलती है, तो चलते हैं आज यहाँ तक है। नए कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, एक नया टॉपिक लेके नया वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, बाय।